सवाल है कि 10 राज्यों में जो उपचुनाव होने वाले हैं उसमें कौन भारी, और देखिए वायनाड लोकसभा सीट पर प्रियंका क्या जीत पाएंगी, इनका पहला चुनाव है, और एनडीए वर्सेस इंडिया का गणित क्या है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में देखिए एक दिन में कहां कहां चुनाव है। दूसरा, आखिरकार क्यों हो रहे हैं ये सारे उपचुनाव। तीसरा, 10 राज्यों के चुनाव में कौन भारी है। चौथा, झारखंड विधानसभा चुनाव में कौन मजबूत है। और पांचवा, क्या 10 राज्यों के लोकसभा के नतीजों का कुछ असर होगा कि नहीं होगा। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। देखिए कितनी अहम तारीख है 13, क्योंकि आप ये पूरा नक्शा देख सकते हैं भारत का और किस तरीके से उपचुनाव है एक ही दिन में। मध्य प्रदेश की 2 सीटों पर, राजस्थान की 7 सीटें, गुजरात की 1 सीट, कर्नाटक की 3, बिहार की 4, सिक्किम की 2, असम की 5, मेघालय की 1, पश्चिम बंगाल की 6, छत्तीसगढ़ की 1 और केरल में 1 विधानसभा सीट पर और 1 वायनाड लोकसभा सीट पर चुनाव है। देखिए मैं आपके लिए सब कुछ लिखकर लाई हूँ किस तरीके से। राजस्थान की 7 सीटों पर चुनाव है, झुंझुनू, रामगढ़, दौसा, देवली, उनियारा, सलूंबर, 84, खीवसर। और यहाँ पर पहले किसके पास थी आप देख सकते हैं, पहली 4 तो कांग्रेस के पास थी, 1 भाजपा के पास, 1 बीएपी के पास और 1 हनुमान बेनीवाल की पार्टी के पास। ऐसे ही बिहार में 4 सीटें, रामगढ़, बेलागंज, इमामगंज, तरारी, मध्य प्रदेश में बुधनी और विजयपुर, छत्तीसगढ़ में रायपुर दक्षिण, और आप देख सकते हैं इधर कौन कौन पहले जीत चुका है, पश्चिम बंगाल में सिताई, मेदिनीपुर, नेहाती, हरोहा, तल डांगरा, मदारी हाट, और आप देख सकते हैं असम की भी 5 सीटों पर चुनाव है, कर्नाटक की ये 3 सीटें, सिक्किम की 2 सीटें जहां पर ऑलरेडी जीत चुके हैं 2 प्रत्याशी क्योंकि निर्विरोध जीत चुके हैं, गुजरात की 1 वाव सीट, मेघालय की सीट, केरल में 1 पे तो विधानसभा है और 1 सबसे अहम वायनाड की सीट जिसपे सबकी नजर है। आपको पता है कि राहुल गांधी ने वो सीट छोड़ी है अपनी बहन प्रियंका के लिए क्योंकि वो रायबरेली के सांसद, उन्होंने वो सीट चुन ली और अब प्रियंका गांधी का पहला चुनाव। तो देखिए 13 नवंबर 2024 बुधवार का वो दिन, कहाँ कहाँ पर चुनाव है। झारखंड में विधानसभा का पहला चरण है जहां पर 43 सीटों पर चुनाव है, 10 राज्यों में उपचुनाव है जिसमें 31 विधानसभा सीटें हैं, केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर उपचुनाव है, सिक्किम की 2 सीटों पर 30 अक्टूबर को ही एसकेएम निर्विरोध जीत चुकी है, यानी वहां पर आप देखिए विपक्ष एकदम से खल्लास हो गया है क्योंकि जो मेन पार्टी है, जो बीजेपी की पार्टी है, यानी जो उधर एनडीए का पक्ष है, वो वहां पर जीत बना चुका है। अब देखिए सवाल यह है कि आखिरकार उपचुनाव क्यों हो रहे हैं। तो 10 राज्यों की 31 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, 28 विधायक तो लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बन गए, 2 का निधन हो गया और 1 ने दल बदल लिया, तो इस कारण ही उपचुनाव कराए जा रहे हैं। 4 सीटें इसमें एससी हैं, 6 सीटें इसमें एसटी के लिए आरक्षित हैं। पिछली बार 31 में से तो 18 सीटें विपक्ष ने जीती थी, अकेले कांग्रेस के पास 9 सीटें थी, एनडीए ने 11 सीटें जीती थी जिसमें से 7 विधायक भाजपा के थे और 2 अन्य के खाते में आए थे। देखिए 5 साल में 89% उपचुनाव हारी है बीजेपी। अगर हम बात करते हैं, अगर हम थोड़ा सा एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कि 10 राज्यों में चुनावी माहौल क्या है, तो देखिए बहुत बड़ा परसेंटेज है कि उपचुनाव में बीजेपी हारती भी पाई गई है। कहां पर? राजस्थान में 9 उपचुनाव हुए जिसमें से 2019 से 2024 तक, जिसमें 89% पर राजस्थान की बात करती हूँ तो जो बीजेपी है वो हारी है। 6 बार कांग्रेस जीती है, 1 बार बीजेपी जीती है, 1 बार आरएलपी और 1 बार बीएपी। उपचुनाव के नतीजे, सीएम भजनलाल की परीक्षा, आपको पता है कि इस वक्त जो सीएम है राजस्थान के वो भजनलाल हैं, और अगर इस वक्त उपचुनाव में नतीजे अच्छे नहीं आते हैं तो फिर इनकी बड़ी परीक्षा होगी क्योंकि लोकसभा में भी आपको पता है कि पहले राजस्थान में बीजेपी के पास सारी लोकसभा सीटें थी लेकिन फिर उन्होंने गवा दी। देखिए 25 में से 18 सीटें इस बार जीती और ये संतोषजनक नहीं था। तो सीएम भजनलाल के नेतृत्व पे बड़े सवाल उठ सकते हैं अगर फैसला सही नहीं आया, यानी बीजेपी के पक्ष में नहीं आया। 5 सालों के उपचुनाव में कांग्रेस का पलड़ा भारी रहा है राजस्थान में, हरियाणा में जीत के बाद भाजपा का आत्मविश्वास अब थोड़ा बढ़ गया है। आपको पता है कि हरियाणा में क्या कमाल हो गया बीजेपी के लिए, तो अब उनको लग रहा है कि उपचुनाव में भी ऐसा ही कमाल देखने को मिल सकता है। नतीजे बीजेपी के खिलाफ आए तो सीएम पर खतरा, मैं आपको बता चुकी हूँ ये बात। आगे देखिए बिहार की बात करते हैं, बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, 2025 के विधानसभा चुनाव का ही सेमीफाइनल माना जा रहा है कि अगर इन उपचुनाव की सीटों पर जिस तरीके से वोटिंग पैटर्न बैठता है, जिस तरीके से जनता वोट करेगी, तो पता चलेगा भाई 2025 की क्या स्थिति हो सकती है। आपको पता है अगले साल नीतीश कुमार जो है, आपको कई बार ऐसे देखने को मिला होगा और सुनने को मिला होगा कि नीतीश कुमार विधानसभा में वापस आरजेडी के पास आ जाएंगे, तो उन्होंने आखिर कह दिया है कि इस बार हम पलटेंगे नहीं, लेकिन नीतीश कुमार 9-10 बार जो पलट चुके हैं। खैर, नीतीश कुमार का लोकसभा की तरह पूरा भरोसा कायम है कि एनडीए नेतृत्व में वो पूरे के पूरे कमाल करेंगे और पूरा एनडीए दर जीतेगा। तेजस्वी यादव के नेतृत्व की बड़ी परीक्षा, क्योंकि अगर उपचुनाव में, आपको पता है लोकसभा में अच्छा खासा एनडीए ने प्रदर्शन किया है बिहार में,
और अगर आपको पता है तेजस्वी यादव 17 महीने सत्ता में कायम रहे, फिर उसके बाद नीतीश कुमार पलट जाते हैं, तो आप देखिए तेजस्वी यादव के नेतृत्व के लिए बड़ी परीक्षा है कि अगर उपचुनाव में वो कमाल नहीं दिखा पाए तो सब सवालिया निशान उठाएंगे। अच्छा, प्रशांत किशोर पीके की पार्टी जनसुराज के लिए अहम है ये, क्योंकि आपको पता है पहले ये कौन थे, ये पूरे पॉलिटिकल एनालिस्ट, पूरे स्ट्रेटजिस्ट थे चुनावों को लेकर, लेकिन अब इन्होंने खुद की पार्टी बना ली है। देखिए देखिए पीके ने सभी सीटों पर उतारे हैं प्रत्याशी, तो पता चलेगा कि जनता इनको वोट करेगी कि नहीं करेगी। नतीजा 23 नवंबर को इन सबका आएगा। आप देखिए मध्य प्रदेश में दोनों विधानसभा सीटें बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है, क्योंकि बुधनी शिवराज सिंह चौहान की सीट है, न जाने कितने बार यहां से विधायक रह चुके हैं शिवराज, लोकसभा चुनाव में विदिशा सीट से जीते तो ये वाली खाली हो गई, तो अब उपचुनाव हो रहे हैं। तीनों उपचुनाव में कांग्रेस ने राजकुमार पटेल को उम्मीदवार बनाया, लेकिन ये गढ़ है मामा का यानी शिवराज चौहान का। तो देखिए अब क्या होता है, विजयपुर सीट से राज्य के वन मंत्री रामनिवास रावत मैदान में है। इस सीट पर 6 बार कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं, यानी इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा था, कांग्रेस से जीते लेकिन अप्रैल 2023 में भाजपा में शामिल हो गए, यानी इन्होंने दल बदल लिया, इसलिए चुनाव जो है ये उपचुनाव वहां पर हो रहा है। कांग्रेस ने उनके सामने आदिवासी नेता मुकेश मल्होत्रा को टिकट दिया है। अब देखना होगा कि जनता जो है वो या तो दल बदलू रामनिवास रावत है उनको, उन पर भरोसा जताएगी, या फिर मुकेश मल्होत्रा को चांस देगी। अब छत्तीसगढ़ की बात कीजिए, रायपुर दक्षिण सीट पर भाजपा ने लगाई पूरी ताकत, बीजेपी सुनील सोनी वर्सेस कांग्रेस के आकाश शर्मा में यहाँ पर मुकाबला है। और अगर मैं छत्तीसगढ़ में देखिए, सांसद बृजभुवन अग्रवाल कुल 8 बार विधायक रहे हैं सीट से, अब वो सांसद बन चुके हैं, तो ये जो पूरा का पूरा बीजेपी का गढ़ रहा है, तो इधर क्या इस बार कांग्रेस कमाल कर पाएगी, बड़ा सवाल है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। और अगर मैं बंगाल की बात करती हूँ, 6 सीटों पर उपचुनाव है, 5 पर टीएमसी के विधायक थे, यानी टीएमसी ने अच्छी खासी वहां पर जो सीटें हैं ले रखी थी, आपको भी पता है। लेकिन इस बार ममता बनर्जी के लिए बड़ा सवाल, बड़ा खतरा इसलिए है क्योंकि आरजीकर केस के बाद टीएमसी की पहली परीक्षा है। अब देखिए आरजीकर केस का प्रोटेस्ट अभी तक भी चल रहा है, आपको पता है ना उधर मेडिकल कॉलेज में क्या हुआ था एक डॉक्टर के साथ, मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है, पूरे देश दुनिया में ये खबर फैली हुई है। तो अब टीएमसी के लिए ये अहम चुनाव है कि क्या वहां की जनता इस केस के चलते टीएमसी पर भरोसा जताएगी कि नहीं। असम की बात कर लीजिए, 5 सीटों में से 2 पर सांसदों के रिश्तेदार मैदान में, परिवारवाद देख लीजिए, परिवारवाद इधर पूरा का पूरा बड़ा मुद्दा है। बीजेपी 3 तो एजीपी और यूपीपीएल, मतलब ये एनडीए गठबंधन है, 3 सीटों पर बीजेपी है, तो एजीपी और यूपीपीएल की एक एक सीट है। कांग्रेस ने सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उठा रहे हैं। असम में देखिए कि किस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी में ही मुकाबला है, एनडीए और कांग्रेस में मुकाबला है, क्योंकि कांग्रेस का वहां पर कोई गठबंधन नहीं है। 3 सीटों में से 2 पर 2 पूर्व सीएम के बेटे मैदान में, कर्नाटक की बात हो रही है, देवगौड़ा और बोमई परिवार की 3री पीढ़ी चुनाव में है कर्नाटक में। देखिए कि कितना लंबा ये पीढ़ी दर पीढ़ी पूरा ये लोग चुनाव लड़ते हैं। 3री सीट पर कांग्रेस सांसद की पत्नी मैदान में है, यहाँ पर भी आपको परिवारवाद का मुद्दा दिखेगा। HD कुमार स्वामी के बेटे निखिल कुमार स्वामी चन्नपटना, यानी JDS वर्सेस कांग्रेस के CP योगेश्वर में यहाँ पर मुकाबला है। बसवराज बोमई के भी बेटे शिगगांव सीट से बीजेपी वर्सेस कांग्रेस के यासिर अहमद खान, तो देखिए किस तरीके से इस सीट पर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस में मुकाबला है। संदूर सीट पर कांग्रेस सांसद ई तुकाराम की पत्नी अन्नपूर्णा वर्सेस बंगारू हनुमंथू बीजेपी से हैं। और देखिए गुजरात की बात करती हूँ, तो यहाँ पर खाली तो 2 सीटें हैं लेकिन सिर्फ 1 सीट पर उपचुनाव हो रहा है, और एक जो दूसरी सीट है उस पर ये मामला चल रहा है कि कोर्ट में अभी कुछ पेच फंसा हुआ है, तो इसलिए वहाँ पर उपचुनाव नहीं होना है। तो जो 1 सीट बचती है वाव, उस पर स्वरूप जी ठाकुर बीजेपी के वर्सेस कांग्रेस गुलाब सिंह राजपूत, ये कांग्रेस के तरफ से खड़े हैं। मेघालय की बात करती हूँ, तो भाजपा प्रत्याशी पर उग्रवाद और सेक्स रैकेट चलाने का आरोप है, तो इस तरीके से क्या बीजेपी और कांग्रेस में किसका पलड़ा भारी है। देखिए ग्राम ब्रेगे कांग्रेस के जिंगजोंग मराक वर्सेस बीजेपी के बर्नार्ड मारक। आगे देखिए वायनाड लोकसभा चुनाव, जिसपे सबकी नजर रहने वाली है, क्योंकि आपको पता है एक विधानसभा चेलाक कराकर सीट पर उपचुनाव है और दूसरा वायनाड लोकसभा सीट पर बाय इलेक्शन है, और प्रियंका गांधी का ये पहला चुनाव है। आप सोचिए कि इनका ये चुनावी डेब्यू है, किस तरीके से आप देखिए मैदान में प्रियंका गांधी कांग्रेस से, नव्या हरिदास भाजपा से, सत्यन मुकेरी CPI से। अगर जीतेंगी तो गांधी परिवार के सभी लोग सदन के संसद के सदस्य बन जाएंगे। राहुल गांधी ऑलरेडी रायबरेली से हैं, अगर ये जीत जाती हैं तो ये वायनाड से पहुंच जाएंगी। सोनिया गांधी राज्यसभा की सदस्य हैं, तो देखिए इस तरीके से पूरा गांधी परिवार आ जाएगा पार्लियामेंट में। और ये क्योंकि प्रियंका के लिए पहला चुनाव है, तो आप देखिए
राहुल गांधी ने भी अपनी बहन के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है। अभी मैं आपको आगे बताऊंगी कि कैसे आई लव वायनाड का टी शर्ट उनके लिए पहन के घूम रहे हैं, उनके लिए रैलियां कर रहे हैं, उनके लिए आप तमाम तरीके की आपने रैलियां देखी होंगी कि किस तरीके से राहुल गांधी, और इनफैक्ट जब नामांकन करने पहुंची थी तो खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और जितने भी ये रॉबर्ट वाड्रा इनके बच्चे सब पहुंचे थे क्योंकि ये इनका चुनावी डेब्यू है। दक्षिण भारत हमेशा से गांधी परिवार के लिए भरोसेमंद रहा है, ये तो आपको पता ही होगा। राहुल की रैली, आई लव वायनाड की टी शर्ट देखिए किस तरीके से वो दिखा रहे हैं कि देखिए आई लव वायनाड, मतलब मैं वायनाड को भूला नहीं हूँ। और मुझसे अच्छी जो सांसद हैं वो प्रियंका गांधी रहेंगी क्योंकि वो इमोशनल हैं मुझसे ज़्यादा, और वो मुझसे ज़्यादा आप लोगों का ख्याल रखेंगी, ये राहुल गांधी के शब्द हैं और किस तरीके से उनका लगातार प्रचार कर रहे हैं। चौथा देखिए, सिर्फ उपचुनाव नहीं है, झारखंड विधानसभा चुनाव में कौन मजबूत है, इधर विधानसभा का, झारखंड विधानसभा का पहला चरण भी है, 81 सीटें, बहुमत में 41 जरूरी। देखिए अगर 44 जनरल सीट्स हैं, 28 एसटी, 9 एससी आरक्षित, 13 नवंबर को पहला चरण है और 20 नवंबर को यहां पर दूसरा चरण है, 38 सीटों पर है। चुनावी नतीजे सबके 23 नवंबर को आने वाले हैं। चुनावी प्लान बता दूं तो बीजेपी वर्सेस जेएमएम, यानी बीजेपी यानी एनडीए वर्सेस जेएमएम इंडिया गठबंधन, नरेंद्र मोदी वर्सेस हेमंत सोरेन, एनडीए कितनी कितनी सीटों पर लड़ रही है, क्या क्या पूरा समीकरण देख लीजिए, और इंडिया गठबंधन कांग्रेस जेएमएम आरजेडी और लेफ्ट की पार्टी। अब आखिरी पॉइंट में हम ये देख लेते हैं कि क्या लोकसभा के नतीजे पूरा का पूरा असर डालते हैं विधानसभा के जो उपचुनाव हो रहे हैं। अगर आप देखते हैं राजस्थान में सबसे ज़्यादा सीटें देखिए बीजेपी के पास, कांग्रेस के पास 8, सीपीआईएम के पास 1, और आप देख सकते हैं 1-1 आरएलपी और इसको, गुजरात में 25 बीजेपी कांग्रेस 1, बिहार में आप देखिए जेडीयू बीजेपी 12-12, एलजेपी 5, आरजेडी 4, कांग्रेस 3, सीपीआईएमएल 2, तो इस तरीके से मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीट सारी बीजेपी के पास, सिक्किम में 1, असम में देखिए बीजेपी के पास 9, कांग्रेस के पास 3, यूपीपीएल एजीपी जो कि बीजेपी के ही साथी हैं तो ये सब आप उधर देख लीजिए, मेघालय में 1 कांग्रेस की और 1 वीओटीपीपी की, वेस्ट बंगाल में टीएमसी की 29, बीजेपी की 12 और कांग्रेस की महज 1। तो क्या ये सारे जो लोकसभा के नतीजे हैं वैसा ही पैटर्न रहने वाला है विधानसभा का, मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए। केरल में भी आप देख लीजिए, आपके सामने फिगर है, सबसे ज़्यादा कांग्रेस 14, आप देखिए ना दक्षिण भारत किस तरीके से कांग्रेस जो है पूरा गांधी परिवार का, वो लोग ट्रस्टवर्दी रहते हैं यानी भरोसेमंद रहते हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी 10 और कांग्रेस 1, देखिए कितना ज़्यादा अंतर है। कर्नाटक में बीजेपी 17, कांग्रेस 9 और जेडीएस 2। तो इस तरीके से जो लोकसभा चुनाव हैं किस तरीके से विधानसभा पे असर डालेंगे, इन सभी राज्यों में क्या होने वाला है, 13 नवंबर की तारीख बहुत बिजी रहने वाली है पूरी देश के लिए, आपको क्या लगता है कि किसका पलड़ा ज़्यादा मजबूत है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे थे, मैं हूँ रिमझिम जेठानी, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।